गुड आफ्टरनून कोलकाता सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है अनिमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ हयात रिजेंसी होटल से, जहाँ पर आज प्रेस मीट होने वाली है। बस ये थोड़ी देर में मूवी का नाम है बेशरम। जी हाँ, आज है 1 अक्टूबर और कल ये मूवी जो है वो रिलीज होने वाली है। और इस वक्त रेड एफएम पर लाइव बातें करने के लिए हमारे साथ इस वक्त है नन अदर देन बेशरम रणबीर कपूर। रणबीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम कोलकाता पे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। कोलकाता मैं हमेशा आता हूँ मेरी फिल्म को लेकर, पिछले 6-7 फिल्मों के साथ आ रहा हूँ। बहुत सारा प्यार मिलता है, बहुत सपोर्ट मिलता है यहाँ के फैंस टू ऑल इंडियन फिल्म्स, एंड ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज़। मैंने बर्फी भी यहाँ शूट की थी 2 हफ्ते के लिए, बर्फी को भी बहुत प्यार मिला था। सो इट्स ऑलवेज ग्रेट टू बी हियर। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं दुर्गा पूजा के 1 हफ्ते पहले आ गया हूँ, तो इस साल तो अभी फिल्म रिलीज़ हो रही है, आ नहीं पाऊंगा। बट अगले साल अनुराग बासु कहते हैं मुझे, प्रीतम भी कहता है कि वो मुझे साथ ले आएंगे दुर्गा पूजा के लिए। जी, जब दुर्गा पूजा की बातें हो रही है, मूवी की बातें हो रही है, तो जानना चाहूँगा दुर्गा पूजा के पहले इतना शानदार सा गिफ्ट कोलकाता के लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को मिल रहा है, बदतमीजी के बाद बेशर्मी होने वाली है, कल रिलीज़ हो रही है मूवी बेशर्म, क्या कहना चाहेंगे? और बहुत एक्साइटेड हूँ, ये एक फैमिली एंटरटेनर है, जैसे हम टिपिकल बॉलीवुड मसाला फिल्म बोलते हैं। पहली बार मौका मिला मुझे अभिनव के साथ काम करने का, वो उन्होंने दबंग बनाई थी, बहुत बड़ा फैन था, मम्मी पापा के साथ भी काम करने का मौका मिला, तो बहुत एक्साइटेड हूँ। एक नया जॉनर है मेरे लिए, एक नया कैरेक्टर है मेरे लिए जो बबली मैं प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म में। थोड़ा वल्गर है, रिपल्सिव है, लेकिन बहुत प्यारा सा है वो, यू नो, ना उसको सम्मान का मोह है ना अपमान का भय है। सो बहुत एक्साइटेड हूँ, आई होप कि कल ऑडियंस इस फिल्म को चांस दे, मौका दे। जी, मेमोरीज की हम बातें करें, जब मूवी की जब शूटिंग चल रही थी, क्योंकि पूरी फैमिली सेट पर थी, कैसा रहता है वो जो माहौल रहता है, अगर आप हमारे साथ शेयर करें? बहुत अच्छा माहौल था, और आई थिंक बढ़िया बात यही थी कि सेट पर वो मम्मी पापा नहीं, वो अच्छे एक्टर्स के जैसे सेट पे थे, बहुत इनकरेज किया, बहुत सपोर्ट किया। वो दिल्ली के दो करप्ट कॉप्स प्ले कर रहे, ठुल्ले, यू नो, चुलबुल चौटाला और बुलबुल चौटाला, मैं गाड़ियाँ चुराता हूँ, तो पूरे फिल्म के दौरान वो, यू नो, मेरे पीछे भाग रहे और मैं भाग रहा हूँ उनसे। और जब भी हम मिलते, बहुत, यू नो, एंटरटेनमेंट था, बहुत कॉमेडी सीन्स थे, तो बहुत अच्छा लगा मम्मी पापा के साथ काम करने का। जी, क्या कहना चाहेंगे, गाने बहुत हिट हो रहे हैं बेशरम मूवी के? वेल, क्योंकि एक फैमिली एंटरटेनर है, मसाला फिल्म है, तो जाहिर सी बात है कि म्यूज़िक बहुत अहम हिस्सा होता है फिल्म का। तो ललित पंडित ने म्यूज़िक दिया है, बेशरम का जो ट्रैक है वो इश्क बेक्टर और श्री ने कंपोज किया है, तो एक्साइटेड हूँ। फिल्म जो म्यूज़िक है, हिंदी फिल्म का आधार है, एंड आई थिंक इस फिल्म का भी म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस मूवी के लिए। आपका फेवरेट गाना? मेरा फेवरेट गाना होगा तेरे मोहल्ले और लव की घंटी। ओके, जब हम कोलकाता शहर की बातें करें, जैसे कि आपने कहा कोलकाता आपको आना पसंद रहता है, दुर्गा पूजा बहुत नज़दीक है, कभी ऐसा माहौल हुआ, कभी ऐसा मौका मिला कि कोलकाता की दुर्गा पूजा को आपने एंजॉय किया हो? अभी तक तो नहीं, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मैं घर पे भी हम नवरात्रि रखते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं 9 दिन के लिए, तो इसलिए मैं बोला कि इस साल फिर से मेरा मिस हो जाएगा, लेकिन अगले साल ज़रूर आऊँगा। मुझे विभाषा भी बोलते रहती है कि वो हमेशा आती हैं हर साल, तो बहुत सुना है, बहुत सारे तस्वीरें देखे हैं, वीडियोस देखे हैं, लेकिन खुद अभी तक, यू नो, एंजॉय नहीं किया है मैंने। जी रणबीर, बताना चाहूँगा रेड एफएम का टैग लाइन जो है वो है बजाते रहो, और मूवी का नाम है बेशरम, तो कुछ ट्रिकी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप क्या बिलीव करते हैं जिसने की शर्म उसके फूटे करम, ये जो मुहावरा है इस पर? बिल्कुल, आई थिंक ये जो टाइटल है बेशरम, इसका मतलब ये नहीं कि आप कपड़े उतार के किसी को एम्बैरेस करो, आई थिंक आप अगर दिल से बेशरम बनो, सुनो सबकी, करो मन की, हम यही बताना चाह रहे हैं इस फिल्म के जरिए, तो ये सही मुहावरा है। ओके, शर्मीले लड़की या फिर बेशरम लड़की? आई थिंक दोनों होनी चाहिए, शर्मीली अपनी अदा से और बेशरम अपने दिल से, ये बहुत ज़रूरी होता है। ओके, शर्म जो होता है वो लड़की का गहना होता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि बेशरम लड़के का टी शर्ट होता है? हाँ, वेल कह सकते हैं, वेल फिलहाल तो बेशरम अभी मेरा टी शर्ट, पतलून, सॉक्स, अंडरवेयर सब कुछ है, क्योंकि कल रिलीज़ हो रही है, तो ये कहना चाहूँगा। ओके, ज़्यादा शर्म किस में आती है, टॉवल या फिर अंडरवेयर? मुझे याद है टॉवल तो मैंने पहली फिल्म में गिरा दिया था, तो सब शर्म मेरी गिर गई थी पहली फिल्म से, लेकिन आई थिंक एक्टर को बेशरम होना बहुत ज़रूरी होता है, तो कैमरा के आगे जो भी इनहिबिशन है सब उतार दें, तो जब वो एक्ट करते हैं तो और बेहतरीन तरीके से एक्ट कर सकते हैं, तो जब ऑडियंस आती है फिल्म को देखने तो और कनेक्ट होगा, इमोशनल कनेक्ट होगा कैरेक्टर के साथ। सर, जोक से पार्ट जानना चाहूँगा, आपके लाइफ में कब सबसे ज़्यादा शर्म आई थी आपको, कुछ ऐसा एक इंसिडेंट? मैं एक्चुअली रियल लाइफ में मुझे बहुत शर्म आती है, मैं बहुत शर्मिला हूँ, इसलिए जब मैं फिल्मों में एक्ट करता हूँ, जब किरदार निभाता हूँ, तो मुझे एक मौका मिलता है, एक मकसद मिलता है एक बेशरम होने का, लेकिन मेरी ज़ाती ज़िंदगी में बहुत ही शर्माता हूँ। करीब 40 लाख लोग आपको सुन रहे हैं इस वक्त रेड एफएम पर, उन सभी से क्या कहना चाहेंगे, बेशरम मूवी जिस दिन का हम सभी को इंतजार था वो दिन आ चुका है, कल मूवी रिलीज़ हो रही है। यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले शुक्रिया अदा कि आपने जो कुछ प्यार दिखाया,
सपोर्ट दिखाया, सम्मान दिखाया फिल्म इंडस्ट्री के जरिए, मेरी फिल्मों के जरिए, एंड द लीस्ट आई कैन डू इज रेसिप्रोकेट विद गुड फिल्म्स, गुड एंटरटेनिंग फिल्म्स. सो प्लीज कम एंड गिव बेशरम अ चांस ऑन 2 अक्टूबर, एंड आई होप दैट यू हैव अ गुड टाइम विद योर फैमिली. थैंक यू सो मच रणबीर हमारे साथ बातें करने के लिए, रेड एफएम को समय देने के लिए, थैंक यू सो मच. ये आवाज थी नन अदर देन हमारे अपने रणबीर कपूर की, जो इस वक्त रेड एफएम पे लाइव बातें कर रहे थे. ये इंटरव्यू आपने एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ रेड एफएम पे सुना है सबसे पहले. जी हाँ, कोलकाता शहर में रणबीर आए और उनके साथ रेड एफएम की सबसे पहले बातें हुई. जी हाँ, प्रेस मीट जो है वो थोड़ी ही देर में हयात रिजेंसी में शुरू होने वाली है. मूवी का नाम है बेशरम. डेट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो.